तो नाम विनोद सोनी, रहने वाला मिर्जापुर से ही। आज से 3.5 साल पहले बिजनेस को शुरुआत किया था। जिस तरीके से आपको देखने और जानने समझने का मौका मिला, उसी तरीके से हमको भी मौका मिला था। और जब हमने बिजनेस को देखा और डिसीजन लिया, और डिसीजन का नतीजा रहा कि आपके बीच में डायमंड बना हूं दोस्तों, और आप सबका प्यार भी मिला। काफी पेशेंस, काफी धैर्य से आप अपने जिंदगी के आईने देख रहे हैं कि ये 3 घंटे से चल क्या रहा है। एक इंसान आया, ताली बजवाया जा रहा है। एक इंसान आया, आयुर्वेद की बातें कर रहा है। और एक इंसान आया, पूरे 70 करोड़ की बातें कर गया। ऐसा हो रहा है ना? मैं आपको बताऊंगा कि ताली क्यों बजाया जाता है, ये भी मैं बताऊंगा कि आयुर्वेद हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है और पैसा भी क्यों जरूरी है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जब कीर्तन भजन होता था, रामायण होता था, है ना? मतलब ढोलक हारमोनिया बजने के बावजूद भी लोग क्या फिलिपिन बजाते थे कि नहीं बजाते थे? इसलिए बजाते थे मेरे भाई, हमारे हाथ में कुछ ऐसी मुसलियां होती है जिनके दबने से हजारों बीमारियां खत्म होती है, जिनके दबने से हमारे लाइफ में परफेक्शन आता है, चेहरे पे स्माइल आती है, और बहुत सारे ऐसे बीमारी होती है खत्म हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कभी ट्रेन के अंदर, कभी बसों के अंदर, कभी हमारे आपके घर पे आके लोग ताली बजा के पैसा मांगते हैं। मांगते नहीं मांगते? क्या कभी उनको हॉस्पिटल में देखे क्या? कभी बीमार होते हुए देखा? नहीं ना सर? तो सर आज मौका भी है और समय भी है, और मैं चाहूंगा कि अपने सेहत के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करिएगा, नहीं तो अगले कभी में घर पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कोई यहाँ ताली बजा रहा है, कोई जेब में ही बजा रहा है ना? मतलब कुछ भी करा लो लेकिन मैं ताली नहीं बजाऊंगा, है कि नहीं सर? भाई ये मौका है, अगर नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाना पड़ेगा। लाल मजाक कर रहा था, यहाँ पे सभी सेंसियर लीडर हैं और सबने ताली बजाया, तो ताली का महत्व तो समझ में आया। तो भाई यहाँ से निकलने के बाद रोड पे ताली मत बजाना, है कि नहीं सर? रोड पे ताली बजाओगे कुछ और समझना शुरू कर देंगे, है ना? अब घर पे भी जाके अचानक ताली मत बजाना, नहीं तो वो भी कहेंगे अरे अभी तो बच्चा मेरा सही था, अभी सुबह से कहाँ गया और फिर आने के बाद ताली बजाने लगा। घर पे जाके ताली मत बजाना, रोड पे ताली मत बजाना, लेकिन जब ऐसे मीटिंग मिले, बैठने का मौका मिले, और जब कीर्तन भजन में बैठने का मौका मिले तो जरूर ताली बजाना चाहिए। तो ताली का महत्व तो समझ में आया? ताली का महत्व इसलिए समझ में आ गया होगा मेरे भाई, ये हमारे आयुर्वेद से जुटा हुआ है, है कि नहीं सर? मैं आयुर्वेद की चर्चा करूंगा सर। आयुर्वेद आज की पद्धति नहीं है, 1000 साल पुरानी पद्धति है। जिस जमाने में कोई डॉक्टर नहीं हुआ करता था, जिस जमाने में कोई मेडिसिन नहीं हुआ करता था, उस जमाने का आयुर्वेद है। ऐसा है कि नहीं साहब? आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे इतिहास देखा होगा या पढ़ा भी होगा या टीवी के माध्यम से देखने का मौका मिला होगा कि एक इंसान का सर कट जाता है और जानवर का सर लगा दिया जाता है। ऐसा भी लोग हुआ कि नहीं हुआ सर? ये आयुर्वेद का ऐसा लेपा हुआ करता था मेरे भाई कि लोग 24 घंटा लड़ाई जब लड़ते थे और जब अपने तंबू में आते थे ना मेरे भाई, वो लेपा लगा के 24 घंटे के अंदर घाव भी सूख जाता था। आज भी हमारे इंडिया का हर एक घास, हर एक पौधा आयुर्वेद है, पर हमें आपको नहीं पता है कब कैसे किस तरीके से इस्तेमाल करें, है कि नहीं सर? आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग ने बताया होगा, मोस्ट सीनियर लोग ने बताया होगा कि सर अपने घर की अगर मसालेदानी अगर शुद्ध कर लो तो कम से कम 50% बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, है कि नहीं सर? क्या लग रहा है, क्या हम अपने घर की जो मसालेदानी है क्या हमारी शुद्ध है? नहीं है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आप मार्केट से खरीद के लाते हैं धनिया पाउडर, ऐसे बहुत सारे चीजें लेकर आते हैं, मसाला के रूप में लेकर आते हैं, हमें आपको शुद्ध नहीं मिलता, जिसके वजह से हम आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, है कि नहीं सर? आपको मैं ये भी मैं बताऊंगा कि एक लाइफ में पैसा क्यों जरूरी है। एक इंसान सुबह से शाम किस लिए निकलता है? पैसे के लिए निकलता है, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे वो नौकरी करे, या कुछ भी काम करके शाम तक अपने पेट का जुगाड़ जरूर करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है?
तो दोस्त हमारे लाइफ में पैसे भी बहुत ही जरूरी है और यहाँ पे आपको 70 करोड़ का प्लान देखने और समझने का मौका मिला होगा। ये प्लान जो होता है, जो करोड़ों की बातें होती है, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म पे होता है, वो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की, डायरेक्ट सेलिंग में ही होता है, जहाँ पे लोग के सपने पूरे होते हैं, जहाँ पे लोगों के जरूरतें पूरा होता है, जहाँ से लोग सपना देखना शुरू कर देते हैं। नहीं तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे भाई जहाँ से आप सपने देखे और पूरा करें। लेकिन एक ही दुनिया का प्लेटफॉर्म है, बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म माना गया है सर, डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो भरोसा करके आया है, जो विश्वास करके आया है और जो पूरी मेहनत से काम किया है, उसको 100% सक्सेस मिली है, जैसे आज मुझे मिली है और हमारे गुरु जी लोगों को मिली है। जरूरी या मजबूरी में इंसान दो तरीके से पैसा कमाता है, या तो अच्छा काम करके या तो बुरा काम करके। आज के डेट में मार्केट में आज बुरा करके क्या पैसा लोग कमा रहे हैं मैं ये भी बताऊंगा, और अच्छे लोग अच्छा काम करके कैसे पैसे कमा रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। आज देखा जाए जहां पे नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए वहां पे ऑपरेशन हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस लिए हो रहा है सर? सिर्फ चंद हजार रुपए के लिए, पैसे कमाने के लिए। जहां नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए वहां ऑपरेशन हो जाता है, और डॉक्टर को भी थोड़ा सा शर्म नहीं लगता कि ये भी दोबारा माँ बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, ये भी तो किसी की बेटी होगी, ये भी तो किसी की बहन होगी। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? नॉर्मल डिलीवरी अगर इंसान करता है तो 3 से 4 हजार के खर्चे में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऑपरेशन इसलिए किया जाता है मेरे भाई, जो खर्च 4 हजार का होता है उसे सीधा 40 हजार में बदल दिया जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता सर? बजाने की बात नहीं है सर, यहाँ समझने की बात है कि एक इंसान 2 दिन पहले मर चुका होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि पैसे के खातिर उनको ऑक्सीजन लगा के 2 दिन और जिंदा रखते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं सर? आए दिन पेपर और न्यूज में हमें आपको सुनने को मिलता है, उनको पैसे से मतलब होता है। मेरे भाई आपका शरीर कट रहा है, आपका शरीर जा रहा है, क्या हो रहा है, उसको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आज टारगेट लोग बना के काम कर रहे हैं, टारगेट बना के काम कर रहे हैं, अपने खर्च कैसे निकालें, अपने हॉस्पिटल का खर्च कैसे निकालें, अपने स्टाफ का खर्च कैसे निकालें। लेकिन यहाँ अगर इस प्रोफेशनल से कोई होगा तो मुझे क्षमा करना, 100% तो ऐसे डॉक्टर है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं सर? पहले क्या होता था मेरे भाई, डॉक्टर को हम आप भगवान मानते थे, मानते थे कि नहीं मानते थे? और आज भी इंसान डॉक्टर को भगवान मानता है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी घिनौनी हरकतों से आज हम उनको क्या कर रहे हैं, सम्मान भी नहीं दे पा रहे। ऐसा हो रहा है ना सर? क्या ऐसा काम करके पैसा कमाना चाहेंगे? नहीं कमाना चाहेंगे सर। मार्केट में बहुत सारे ऐसे नकली दूध, नकली पनीर, नकली ऐसे दवाइयां आज हमें आपको मिल रहा है, क्या जो बेचता है उसको पता नहीं है कि यह नकली है? सबको पता होता है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई, कि मैं जहर बेच रहा हूँ, कि मैं नकली चीजें बेच रहा हूँ। इंसान खाएगा तो मर जाएगा, इंसान खाएगा तो बीमार हो सकता है, इंसान खाएगा तो उसका लीवर खराब हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ पैसे से मतलब होता है। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं सर? क्या ऐसा काम करके पैसा कमाना चाहेंगे? नहीं कमाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे माँ बाप ने एक ही चीज सिखाया कि बेटा नमक रोटी खा लेना, लेकिन किसी का दिल दुखा के पैसा मत कमाना। हमारे माँ बाप ने सिखाया कि बेटा नमक रोटी खा लेना, किसी के दिल दुखा के अगर पैसा कमाते हो काम गलत होता है, और किसी का दिल दुखा के पैसा अगर कमाना होता है तो आप 3 घंटे बैठ के आप अपने जिंदगी कहने नहीं देते। ये तो आपने प्रूव कर दिया कि वाकई में अच्छा काम करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छे लोग के साथ अच्छे ही लोग आते हैं, है कि नहीं सर? अच्छा काम क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारे लोग करते क्या है। हमारे लोग हेल्थ अवेयरनेस करते हैं, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, जहां पे लोगों को बताते हैं क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे अपने लंबी लाइफ को जी सकते हो, है कि नहीं सर? हमारे लोग इस तरीके से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, घर घर भी जाके होम मीटिंग भी करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं कि आप अगर आप सुबह की चाय ना पी के गुनगुना पानी पीते हो तो उससे क्या फायदा होता है, फ्री एडवाइस भी बताते हैं मेरे भाई, फ्री एडवाइस बताते हैं। क्योंकि सर सुबह की 1 कप चाय दिन भर 20 कप चाय से खतरनाक पहली चाय होती है, तो आप जितने लोग भी हैं आदत नहीं है आदत बनाइए, सुबह की चाय न पी के अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो फायदा क्या होता है सर? जब आप सो के उठते हैं तो यहाँ पे देखिए लहर बनता है कि नहीं सर? ये गॉड गिफ्ट है, ये पैसे से कभी नहीं मिलता मेरे भाई। अगर आप चाय पीते हैं उस समय तो बहुत सोचिए कि सी पॉइजन मतलब जहर पी रहे, अगर गुनगुना पानी पीते तो ये लार पेट के अंदर जाता है, मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करता है। अगर बॉडी के अंदर कोशिकाएं जिंदा है
बॉडी के अंदर कोशिकाएं अगर जिंदा हैं तो आपको बीमारी कभी छू नहीं सकती। क्या हमारे लोग ये इस तरीके से लोगों को एडवाइस देते हैं तो क्या अच्छा काम करते हैं बुरा काम? अच्छा काम करते हैं। हमारे लोग ये भी बताते हैं कि आप सुबह शाम दौड़ा करो, नहीं दौड़ते हैं तो मॉर्निंग वॉक किया करो। उससे फायदा क्या होता है मेरे भाई कि बॉडी के अंदर 16 जोड़ मुख्य होते हैं। जोड़ तो बहुत सारे हैं लेकिन मुख्य जोड़ कितने हैं हमारे? 16 जोड़ है, 12 अर्गन है बॉडी के अंदर। अगर सुबह शाम आप दौड़ नहीं सकते तो मॉर्निंग वॉक करते हैं, उससे फायदा क्या होता है? ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं। अगर बॉडी के अंदर ये दोनों एक्टिव हो गए तब भी आपको बीमारी नहीं लगेगी, है कि नहीं सर? नहीं लगती है। और आप बताइए जो हमारे लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं। इसी तरीके से हमारे एक भाई साहब से मुलाकात होती है, एक इंसान से जिसे 12 साल तक अस्थमा की प्रॉब्लम थी। 12 साल से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, अब काफी वो मेडिसिन लिए, लगभग 8 साल तक अपने इलाज कराए। 8 साल इलाज कराने के बाद डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया कि आगे की जिंदगी जीना है तो आपको पंप लेना पड़ेगा, आपको ये मेडिसिन लेना पड़ेगा, तब जाके आगे की जिंदगी जी सकते हैं। उसी तरीके से जब हमारे लोगों से मुलाकात होती है, जो इंसान 12 साल से परेशान था, 10 लाख रुपए खर्च करने के बाद नहीं ठीक हो पाया, जब हमारे लोगों से मुलाकात होती है 10 से 15 हजार रुपए का प्रोडक्ट खाता है और ठीक हो जाता है, तो हमारे लोग उसके साथ अच्छा किए बुरा किए? अच्छा किए। इसी तरीके से एक माँ को घुटने की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोल दिया था ये ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन का खर्च पूरे 8 लाख रुपए का खर्च था मेरे भाई। और हमने बोला कि भाई आपको ऑपरेशन तो कराना ही कराना है, लेकिन 4 से 5 हजार रुपए का प्रोडक्ट अगर आप खा लीजिए, अगर आपको 19-20 भी लगता है तो इसका पूरा कोर्स कर लीजिएगा, है कि नहीं सर? और वो माँ ने 1 महीना प्रोडक्ट खाया और उसका 1 महीने प्रोडक्ट खाने के बाद उनको 19-20 समझ में आने लगा और अपना कोर्स भी पूरा की। और जो माँ का 8 लाख रुपए डॉक्टर ने खर्च बताया था ऑपरेशन के लिए और काफी परेशान थी, वो माँ यहाँ से कम से कम 10 से 12 हजार के प्रोडक्ट में ठीक हो जाती है। तो बताइए हमारे लोग अच्छा किए? हमारे लोग उनके साथ अच्छा किए बुरा किए? अच्छा किए। अच्छा काम है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता होगा ये तो यहाँ पे 10 से 15 हजार रुपए लगते हैं, है कि नहीं सर? काम तो अच्छा है, ठीक है, समाज सेवा कल्याण का काम है वो भी ठीक है, यहाँ पैसे कमाने का ऑप्शन भी है ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ 10 से 15 हजार रुपए जो लगता है ये ठीक नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा मेरे भाई, अगर 10 से 15 हजार रुपए बचा लोगे तो क्या कर सकते हो? 2 साल 1 साल के सब्जी का खर्च निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा। वाकई में जिस हिसाब से हमारी महंगाई दर बढ़ रही है, अगर 15 हजार रुपए रखकर 1 साल तक सब्जी भी नहीं खा सकते मेरे भाई, लेकिन वही 15 से 16 हजार रुपए लगा के इस बिजनेस के अंदर करोड़पति और लखपति दोनों बन सकते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में चलता होगा कि ये सब कुछ ठीक है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा तो नहीं करेगा? मैं आज आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, यहाँ पे तो हम आप काम नहीं करते, यहाँ पे काम करता है हमारा प्रोडक्ट, जिसके वजह से आज लोग ठीक हो रहे हैं, जिनके वजह से लोग, एक व्यक्ति ठीक होता है खुद ही 500 लोगों से बताता है, है कि नहीं सर? जब वो 50 लोग ठीक होते हैं वो सैकड़ों लोगों को बताते हैं। यहाँ पे सर आप सोचिए कि बाहर की मेडिसिन अगर आपने 1 साल लिया, 10 रुपए के डेली इलाज करा रहे हैं और 1 साल प्रोडक्ट खाते हैं और आपका प्रॉब्लम भी नहीं सही होता है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, और हमने एक बार में आपको 16 से 15 हजार रुपए का प्रोडक्ट दिया और खाया पिया ठीक हो गया, तो बताइए हमारा प्रोडक्ट सस्ता पड़ा कि महंगा? सस्ता पड़ा। आज इंसान को सोल्यूशन चाहिए, आज इंसान को सस्ता महंगा नहीं समझ में आता सर, आज के डेट में रिजल्ट चाहिए, है कि नहीं सर? अगर लोगों को ठीक करते हो, अच्छे रिजल्ट देते हो, अच्छे प्रोडक्ट देते हैं, वो महंगा नहीं होता है मेरे भाई। यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो आता है उम्मीद से वो स्वस्थ भी होता है, है कि नहीं सर? हमारे प्रोडक्ट महंगा नहीं होता सर, क्योंकि हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट काम करता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी चलता होगा, अच्छा जो व्यक्ति मुझे लेकर आया है वो बहुत पैसा कमा लेगा। मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आपको लेकर आया है, या तो आपके परिवार का सुख चिंतक होगा, या तो परिवार का भला चाहने वाला होगा, इसलिए आपको इस हाल में लेकर आया सर,
और जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो मात्र उसको 500 रुपए कमीशन के रूप में मिलता है। कितना मिलता है? क्या 500 रुपए कमाने के लिए लेकर आया व्यक्ति? नहीं लेकर आया मेरे भाई। 500 रुपए कमाना होता डायरेक्ट आपसे मांग लिया जाता कि सर 500 रुपए दीजिए, एक महीने में वापस कर दूंगा। जो व्यक्ति आपको लेकर आया है वो 1500 रुपए के लिए नहीं लेकर आया मेरे भाई, 1.5 लाख सकते हैं महीने के 6 लाख रुपए कमाने के लिए लेकर आया। बहुत सारे लोगों को समझ में आता होगा यार एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग, ये कंपनी, ये जोड़ने जोड़ाने वाला काम, सर ये जोड़ने बनाने वाला काम नहीं है। यहाँ पे जो बिजनेस प्लान सर दिए होंगे एक चीज समझ में आया होगा, मात्र सिर्फ मिलना और मिलाना है। मिलने मिलाने वाला काम कर सकते हैं, लोगों को ला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो दोस्त यही काम है जिससे नहीं हो पाएगा। आपने एक, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्या आप लोग ने मुर्दे को देखा है कि नहीं देखा है? Yes. मुर्दे को कंधा देने के लिए कितने लोग को जरूरत पड़ती है? Yes. क्या बुलाने जाता है क्या? No. बुलाने के लिए नहीं जाता मेरे भाई। जब एक मुर्दे को कंधा देने के लिए 4 मिल सकते हैं आप तो जिंदा है। अपनी जिंदगी बनाने के लिए और वो दोनों लोग की जिंदगी बनाने के लिए क्या दो लोगों को जोड़ नहीं सकते? yes. दो लोगों को खिला सकते हो? yes. इस बिजनेस से करोड़पति भी बाप बन सकते हो मेरे भाई। बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार ये तो रईस खानदान के लोग हैं, अभी बिपिन सर आए थे इतने अच्छे बोल रहे हैं, है ना, अभी इजहार सर आए तो बहुत अच्छे बोल रहे थे, मेहताब सर आए तो वो भी बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बड़े सूट बूट में है, ऐसा लग रहा है ना सर? सर वाकई में हम लोग भी मिडिल क्लास से थे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता होगा यहाँ तो लोग स्मार्ट ही व्यक्ति पैसा कमा सकता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होगा वही पैसा कमा सकता है। नहीं सर, आप पढ़े हैं और लिखे हो उससे कोई मायने नहीं रखता, गोरे हैं काले हैं छोटे हैं मोटे उससे कोई मायने नहीं रखता मेरे भाई। अगर आप हिंदी बोलना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस के अंदर पैसा कमा सकते हो और करोड़पति इंसान भी बन सकते हो। ऐसा प्लेटफॉर्म, बातें समझ में आ रही है? yes. कहते हैं ना दर्द को दर्द मारता है, दर्द को दर्द मारता है। सर घर की गरीबी से निकलना है ना तो एक बार दर्द तो बढ़ाना पड़ेगा। yes. जैसे विपिन सर ने बढ़ाया था, लाख प्रॉब्लम आने के बाद भी वो मैनेज किए थे, किसी से ले देके मैनेज किए थे। आज वही विपिन सर अगर मैनेज नहीं किए होते, वो चंद हजार रुपए नहीं लगाए होते बिजनेस के अंदर, क्या आज इस बिजनेस के अंदर सफायर बन पाते? बहुत जल्दी आपके बीच में सफायर भी बन के आ रहे हैं और कार भी से चलते हैं, ये भी पता है? बातें क्लियर हो रही है? तो दोस्त ज्यादा नहीं, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इसी बिजनेस को करते हुए हमारे गुरु मिस्टर अमित दुबे सर ने पहले दिन से फुल टाइम काम करना स्टार्ट किया था, बीएचयू के स्टूडेंट हुआ करते थे और डिसीजन लेकर काम करना स्टार्ट किए। इसी बिजनेस से 4.5 साल के अंदर 7 करोड़ रुपए कमाया, जगवार कार से करते थे। इसी बिजनेस से मिस्टर अवधेश नारायण सर कभी बैंक में काम किया करते थे और आज 4.5 साल के अंदर इस बिजनेस से 4 करोड़ रुपए कमा चुके हैं सर। ऑडी 6 कार से चलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मिस्टर पूर्ण कुमार पांडे सर, कृष्णा सर, जितेंद्र सर, जो हमारे अप्लाइंट के रूप में आते हैं, जिनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला था। अगर सर की बातें किया जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा की अचीवमेंट हो चुकी है, लग्जरियस लाइफ और लग्जरियस कार भी उनके लाइफ में आ चुका है दोस्तों इसी बिजनेस में। सर इसी बिजनेस से मैंने जब बिजनेस को शुरुआत किया था बहुत छोटा सोच के आया था, चलो जुगाड़ हो जाएगा 10-12 हजार रुपए भी महीने के आ जाएगा तो बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। सर मैंने छोटा सोच के आया था, मैं तो बनारस में नौकरी करने गया था और उसी दौरान मुझे एसएलपीएफ देखने का मौका मिला और बनारस में मैं जब मैं गया मैंने वहां भी नौकरी किया 3 से 4 हजार 5 हजार रुपए, मतलब 3 साल समय देने के बाद 5 से 6 हजार रुपए हमारी वहां तनख्वाह हुई थी नौकरी के दौरान। जो विनोद सोनी बनारस के अंदर 5 से 4
5000 रुपए महीने कमा रहा था, आज वही विनोद सोनी इसी बिजनेस से 3 से 4 लाख रुपए महीने कमाता है, हो पाया तो सिर्फ एसएलपीएस प्लेटफॉर्म। तो 16000 रुपए बचा के क्या विदेश यात्रा कर सकते हैं? 16000 रुपए बचा के क्या 20 लाख की कार ले सकते हैं? 16000 रुपए बचा के क्या 90 लाख रुपए का घर ले सकते हैं? नहीं कर सकते। लैपटॉप ले सकते हैं क्या? क्या 1.25 लाख की मोबाइल ले सकते हैं? सर यही 4000 रुपए मैंने लगा के ये सारे मैंने एसएलपीएस प्लेटफॉर्म से मैंने अचीव किया दोस्तों। तो काम अच्छा है, अच्छे काम में साथ देना चाहिए। तो आप शुरुआत करिए हम आपके साथ में, अगर ये सिस्टम समझ में आ गया होगा तो 600 रुपए से अपना जगह फिक्स करके जाइएगा, क्योंकि एक बार अगर आपका जगह फिक्स हो गया, एक फॉर्म आता है यहाँ पे, आप फॉर्म भरते हैं, अगर आपका जगह फिक्स हो गया जिसके माध्यम से आप आए हैं, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति आता है तो आपके नीचे आता है और आपका बिजनेस भी डबल होता है सर, तो आप कंफ्यूज होंगे, तो जिसके माध्यम से आए हैं उससे सवाल पूछ सकते हैं, सोल्यूशन ले सकते हैं, आप फॉर्म जरूर भरते जाए। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।